हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको स्वागत है जिसका नाम है लर्न एचवीसी। आज हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, उसके कितने टाइप है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, आज हम लोग वो स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है पहले वो स्टडी करते हैं। रेफ्रिजरेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक प्रोसेस में हीट को एब्जॉर्ब करता है, दूसरे प्रोसेस में हीट को रिजेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट में देखेंगे तो ड्यूरिंग इन इवेपोरेटर यूनिट वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और जब कंडेंसर में कंडेंसेशन प्रोसेस के टाइम पे वो हीट को रिजेक्ट करता है। अगर आप इसको ब्लड के साथ कंपेयर करेंगे तो ब्लड जो हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में जो काम करता है सेम रेफ्रिजरेंट वही काम करता है एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट में। इसके दो टाइप है, एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होता है वो डायरेक्टली हीट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आके हीट को एब्जॉर्ब करता है, रिमूव करता है, और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट देखेंगे तो वो इनडायरेक्टली तरीके से हीट को एब्जॉर्ब करता है या रिमूव करता है। डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का जो डेजिग्नेशन है दो तरीके से होता है, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का अलग होता है, इनऑर्गेनिक का अलग होता है। अगर आप अगर इनऑर्गेनिक पहले हम लोग ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का देखेंगे। अगर आप रेफ्रिजरेंट खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आप वहां पर डायरेक्टली क्लोरोफ्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन नहीं बोलते, आप उसको R12 R32 ऐसा बोलते। तो वो जो आर जो सामने जो R12 ये नंबरिंग कैसा आता है तो वो इस तरीके से आता है। जो आप कोई भी रेफ्रिजरेंट ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट देखेंगे तो उसके अंदर कार्बन का आइटम रहेगा, हाइड्रोजन का आइटम रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा। तो ये इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सी आर मतलब नंबर, आर होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम, एस जो होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, जो टी होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन, जो वाई होता है नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम। उसका जो फॉर्मूला होता है आर, आर माइनस वन, एस प्लस वन और टी। तो हम लोग फॉर एग्जांपल देखेंगे R12 रेफ्रिजरेंट कैसे उसका नोमेनक्लेचर होता है वो हम लोग देखेंगे। R12 का जो देखेंगे जो केमिकल फॉर्मूला होता है CHClF2 होता है। तो आर नंबर ऑफ कार्बन आइटम, कार्बन आइटम कितना है वन। एस क्या होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, उसका कितना है एक है। टी क्या होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन आइटम टू। तो आर वन माइनस वन, आर माइनस वन, वन माइनस वन, वन प्लस वन और टू, मीन्स आर जीरो टू टू। तो आप इसको देख सकते हैं आप इसका कैसा हो गया R22। तो इस तरीके से आपका रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर हो जाता है। सेम आप आर वन इसका भी कर सकते हैं, CCl2F2 का आप करेंगे तो आपको R12 आएगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट जो होता है हम लोग इस फॉर्मूले से करते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, R कैपिटल R माइनस वन, एस प्लस वन और T। R आपको देखना है कार्बन आइटम, S देखना है हाइड्रोजन आइटम और जो T होता है वो होता है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का नंबर ऑफ आइटम। इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में हम लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का हम लोग आर बाय डिफॉल्ट 7 यूज करते हैं, उसमें आर 7 यूज करते हैं और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आगे ऐड कर देते हैं। जैसे आपको अमोनिया का चाहिए तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर जो केमिकल फॉर्मूला होता है NH3 होता है और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 17 होता है। तो R7 बाय डिफॉल्ट आएगा और ये जो 17 है ये आपका उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। अगर आप CO2 के लिए देखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 44 होता है, तो R7 बाय डिफॉल्ट आएगा, बाद में 44 उसमें ऐड हो जाएगा। डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर रेफ्रिजरेंट, ये कुछ प्रॉपर्टी होता है रेफ्रिजरेंट के अंदर होने चाहिए। उसका बॉइलिंग पॉइंट जो लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो कम होना चाहिए। इवेपोरेटिंग प्रेशर शुड बी एवो एटमोस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। कंडेंसिंग प्रेशर जो है कम होना चाहिए। टॉक्सिसिटी बहुत कम होना चाहिए, नहीं तो अगर मान लीजिए लीकेज हुआ तो अगर जो एनवायरमेंट में जो भी ह्यूमन बॉडी को कुछ हार्म नहीं करना चाहिए, करोजनस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर आपका इक्विपमेंट बार बार आप उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। फ्लेमेबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए, लीक डिटेक्शन होना चाहिए, अगर कहीं पे लीक हुआ है तो उसके अंदर स्मेल आना चाहिए। जैसे आप ब्यूटेन गैस अगर आप घर पे LPG का सिलेंडर देखेंगे उसमें कुछ भी लीकेज होता है तुरंत मालूम होता है क्योंकि स्मेल में पता चल जाता है, तो वो लीक डिटेक्शन होना चाहिए। हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। रेफ्रिजरेंट का जो काम ही होता है एक जगह से हीट को एब्जॉर्ब करना, एक जगह से हीट को रिजेक्ट करना, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और रिमूव करेगा। कॉस्ट उसका कम होना चाहिए। अवेलेबिलिटी इजिली अवेलेबल होना चाहिए। विस्कोसिटी उसका कम होना चाहिए। विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगा तो रेफ्रिजरेंट एक जगह से दूसरी जगह तक पास नहीं हो पाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर प्रॉपर्टी फॉर सम रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर क्या है, सक्शन प्रेशर क्या है, डिस्चार्ज प्रेशर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे R22 रेफ्रिजरेंट है और ये किस सिलेंडर में आता है वो आपको सिलेंडर का कलर पता रहना चाहिए। तो R22 है उसका सक्शन प्रेशर अराउंड 65 to 70 PSI होता है और आप डिस्चार्ज प्रेशर देखेंगे तो 250 to 300 PSI तक होता है। स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है 150 PSI, जो सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो स्टैंडिंग प्रेशर होता है, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि आपने अगर मान लीजिए सिलेंडर लेके आया उसके अंदर प्रेशर कम है तो आपको उससे पता चल जाना चाहिए कि रेफ्रिजरेंट में या कौन सा रेफ्रिजरेंट है, तो उसका स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है 150 होता है।
R410 होता है, अराउंड पिंक कलर के सिलेंडर में आता है, उसका जो सक्शन प्रेशर होता है R110 to 130 PSI होता है, डिस्चार्ज होता है 380 to 430 और स्टैंडिंग प्रेशर 225 PSI होता है। जो इन्वर्टर यूनिट होता है उसके अंदर हम लोग R410A यूनिट यूज करते हैं। और जो R22 जो होता है वो फेज आउट होने वाला है, तो अराउंड 2022 तक वो पूरी तरह से फेज आउट हो जाएगा, तो उतना यू मिस की इस, क्योंकि ये जो होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस नहीं है, और जो R410 होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैस होता है। जो R22 है 2022 तक ये फेज आउट हो जाएगा, मीन्स इसका यूज नहीं होगा। R32 देखेंगे तो उसका R32 और R410 दोनों इक्वल एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस है और दोनों की प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ सेम है। तो सक्शन प्रेशर जो होता है उसका 110 टू 130 PSI होता है, डिस्चार्ज होता है 400 टू 430 और स्टैंडिंग प्रेशर 240 PSI होता है। R407C इसका सक्शन प्रेशर 65 टू 75 PSI होता है, डिस्चार्ज 260 टू 300 PSI और स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है 180 PSI। अगर आप एज अ टेक्नीशियन काम कर रहे हैं तो ये प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर क्या है और उसका सक्शन डिस्चार्ज वो आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब कोई भी यूनिट का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो आप स्टैंडिंग प्रेशर या तो सक्शन डिस्चार्ज चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गैस लीकेज है या क्या प्रॉब्लम है यूनिट के अंदर। क्योंकि जो अगर आप एयर कंडीशनिंग, मान लीजिए किसी का कंप्लेन है कि मेरा एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रहा, तो जो सबसे पहला काम टेक्नीशियन करता है वो आपका सक्शन या डिस्चार्ज प्रेशर चेक करता है, तो आपको ये सक्शन डिस्चार्ज पता होना चाहिए। जो R12 है उसका सक्शन प्रेशर अराउंड 10 टू 15 PSI होता है, स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है 75 टू 80 होता है। R134A का जो सक्शन प्रेशर होता है 12 टू 15 PSI होता है और स्टैंडिंग प्रेशर अराउंड 75 टू 85 PSI होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।